दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समस्याओं के निपटारे में किसी स्तर पर विलंब न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी हेल्पलाइन के तहत रोज अपना डैशबोर्ड चेक करें, प्राप्त समस्याओं का तय समय पर समाधान करें। अगर उनके स्तर पर समस्या का समाधान संभव नहीं है तो वह अगले स्तर पर जाएगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 सुशासन तय बनाने में एक और सशक्त कदम है। जन शिकायतों का घर द्वार पर समयबद्ध समाधान तय होगा और लोगों को यह भी पता रहेगा कि उनकी शिकायत पर किस स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है। इससे लोगों का व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और वे इसका हिस्सा बनेंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, SDM सुंदरनगर राहुल चौहान, DRDA के परियोजना अधिकारी नवीन शर्मा सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन हाल ही में पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है और उस संदर्भ में हमें एक डायरेक्शन आई थी कि हर जिला में उपायुक्त जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे सभी जितने अधिकारी हमारे जिला स्तर के हैं उनके साथ, ताकि इस CM हेल्पलाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको प्रोवाइड करें और उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है इसमें ऑपरेट करने में तो वो हमें बता सकें। साथ में ये भी डायरेक्शन थी कि हर डिपार्टमेंट अपने एक अधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करेंगे, ताकि वो पूरी जो नीचे जितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में जो कि CM हेल्पलाइन में कार्य कर रहे हैं वो टाइमली अपना डिस्पोजल कर पा रहे और कोई पेंडेंसी ना रहे, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा हुआ है कि हर लेवल पे 7 दिन का समय दिया हुआ है शिकायत के निराकरण के लिए। तो इस दृष्टि से आज कॉन्फ्रेंस हॉल मंडी में हमने बैठक ऑर्गेनाइज़ की थी और विस्तृत से जो CM हेल्पलाइन के जितने भी डिटेल्स हैं वो सबके साथ शेयर किए। उनके कुछ जो दिक्कतें आ रही है, कुछ फील्ड ऑफिसर्स को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में भी मैं अवगत करवाया। वो इन्फॉर्मेशन हम DIT शिमला को भेजेंगे और बाकी सबसे आग्रह किया है कि जिला मंडी में कोई भी शिकायत डिले ना हो और जो समय निर्धारित किया है उस समय के अनुसार सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए। शिकायत तो क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है और हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी एक मैट्रिक्स बना रखा है, तो जैसे L1, L2, L3, L4। तो संक्षिप्त में रिपोर्ट जिला स्तर पर अलग अलग करके देखना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग है पर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स है। अब जैसे हमने PWD की देखी तो आज के दिन में 100 शिकायतें उनकी पेंडिंग है पूरे ज़िले में, कुछ शिकायतें उन्होंने निराकरण भी की हुआ। उसी तरीके से अगर रेवेन्यू का देखें तो 50 शिकायतें आज के दिन में हमारी पेंडिंग है। तो शिकायतें जैसे भी आती हैं 7 दिन के अंदर उसका निपटारा हो रहा है, अगर संतुष्ट नहीं है तो उच्च अधिकारी को भेजा जा रहा है और उस तरह से उसका निपटारा किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। लो भाई, आज पार्टी मेरे वालों यार, हुने चले ऑस्ट्रेलिया पढ़ने। पर यार मेरा हाल तक ऑफर लेटर भी नहीं आया। एक गाल दस कि तेरा कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है। पता नहीं कि तेरा कंसल्टेंट एरिया पायर वालों सर्टिफाइड है। पता नहीं फिर तेरा वीजा कौन लगवाएगा। पर यार ये सब है किस कंसल्टेंट कोल। त्रिवेदी ओवरसीज, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी।